नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी इस रेंज के अंदर में ही फंसा हुआ है। इस रेंज के ना तो ये ऊपर की साइड में निकल रहा है, ना नीचे की साइड में निकल रहा है। और आज का तो ट्रेडिंग डे काफ़ी बोरिंग ट्रेडिंग डे था। हम ना कल के हाई को क्रॉस कर पाए, ना कल के लो को क्रॉस कर पाए। हम दोनों मतलब कल के हाई और लो के बीच में ही आज आके हमने क्लोज कर दिया। कल का जो हमारा हाई लगा था वो लगा था यहाँ पे 930 का हाई हमने कल का लगाया हुआ था। आज का जो हमारा हाई लगा हुआ है वो 935 का, यानी उसी लेवल के आसपास का हाई लगा। और कल का लो हमारा लगा हुआ था वो 528 का, और आज का लो हमारा लगा है यहाँ पे 600 का। तो कल के हाई लो के बीच में ही हमने यहाँ पे आज सारे दिन यहाँ पे ट्रेड किया है, और क्लोजिंग आके हमने कर दिया है 24,827 के आसपास। अगर देखा जाए तो कल की क्लोजिंग से हमने ऊपर की साइड में जरूर क्लोज किया है कि कल की क्लोजिंग हमारी 575 के आसपास थी, आज की क्लोजिंग हमारी यहाँ पे 827 के आसपास में है। तो क्लोजिंग हमारी 250 पॉइंट ऊपर जाके हमने बैंक निफ्टी में क्लोज किया है। लेकिन अभी भी हम बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेंड डिसीजन नहीं ले सकते यहाँ पे कि हमें किस साइड में यहाँ पे प्रॉपर बैठना है या प्रॉपर ट्रेड करना है, क्योंकि ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस है वो 950 से लेकर के 35,050 के बीच में रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर हम 35,050 को क्रॉस करते हैं तो फिर हम यहाँ पे 35,320 के आसपास, 330 के आसपास तक यहाँ पे जा सकते हैं। नीचे की साइड में जो सपोर्ट है यहाँ पे 34,480 का, वो हमारे लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक हम उसके नीचे ब्रेक करके ट्रेड नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे नीचे का मूव नहीं मिलेगा। तो हम इसी 400-500 पॉइंट के बीच में यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो वहां पे ट्रेड लेना थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट होगा यहां पे ट्रेड लेना हमारे लिए। अब चलिए हम आज के 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि आज किस तरह से मूवमेंट यहां पे बनी। इस तरह की एक्सपायरी, जिस तरह की एक्सपायरी हुई है ना, यानी कल के हाई लो के बीच में ही हम ट्रेड करते रह गए, तो इस तरह की एक्सपायरी मैंने शायद मेरे ख्याल से हमें दिसंबर में मिली थी। 31 दिसंबर वाला जो एक्सपायरी था वही हमें मिला था। तो ये 6-7 एक्सपायरी बाद हमें इस तरह की एक्सपायरी मिली जहां पे कोई मूवमेंट ही नहीं हुई है। हम एक ही जगह के आसपास सारा दिन ट्रेड करते रहे। ज्यादातर देखा जाए तो नीचे की साइड में हम 700, ऊपर की साइड में हम ज्यादातर 820-830 के अंदर में ही ट्रेड करते रहे, ये एक दो कैंडलों को अगर छोड़ दिया जाए तो। यहां पे इंट्राडे के दौरान मैंने आप लोग को ग्रुप में एक चार्ट पोस्ट किया था, उस चार्ट में मैंने आप लेडी एक ट्रेंड लाइन बना के आप लोग को पोस्ट किया था। तो वहां पे उस ट्रेंड लाइन के बाद हमें काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने पोस्ट की थी चार्ट में, और दूसरी मैंने पोस्ट की थी यहां पे नीचे की साइड में। तो यहां पे हमें नीचे की साइड में भी अगर यहां से हम देखें 740 के बाद हम यहां पे 650 के आसपास नीचे की साइड में गए, और यहां से हम निकले 760 के आसपास, तो यहां से हम पहुंचे 940 के आसपास। ये दोनों ही चार्ट मैंने अपने ग्रुप में, दोनों ही ग्रुप में आप लोग को मैंने ये पोस्ट किए थे चार्ट। अगर आपने चार्ट नहीं देखे तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये दोनों ही चार्ट यहाँ पे पोस्ट किए थे। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, घनश्याम टेक एनालिसिस। 1,23,000 से ज़्यादा मेंबर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ये पोस्ट किया था और यहाँ पे मैंने लिखा था कि 820 के ऊपर यहाँ पे हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो वो मूवमेंट हमें मिली एक्सपायरी के दिन में, 70-80 पॉइंट की मूवमेंट भी आपके जो कॉल ऑप्शन है उसको 60-70% बढ़ा देती है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। पहले ही देखिए, यहाँ पे मैंने चार्ट पोस्ट किया था, और उसके बाद पहले मैंने पुट का भी चार्ट यहाँ पे पोस्ट किया था। यहाँ पे देखिए, मैंने ट्रेंड लाइन बना के पोस्ट की थी, तो यहाँ पे पुट में हमें ये डाउनफॉल यहाँ पे हमें मिला हुआ था। तो दोनों चार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए पोस्ट करके दिया हुआ था। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के कुछ चार्ट पोस्ट करता हूं, उसके इंपॉर्टेंट लेवल डालता हूं, तो आप हमारे लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद लॉगिंग आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे भेज देंगे तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ये तो हो गई आज की मूवमेंट। अब कल हमें किस तरह से ट्रेड करना है, देखिए अभी भी हम इस रेंज के अंदर, तो ध्यान से देखिए, तो अभी भी हम इस रेंज के अंदर में ही फंसे हैं। तो ज़्यादा कोई बड़ी मूवमेंट मैं यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ। ऊपर की साइड में जो मूवमेंट है हम जाके हर जगह फंसेंगे, 950 से लेकर 35,050 के बीच में फंसेंगे। एक बार छोटा सा मूव हमें मिल सकता है, जब हम यहाँ पे 35,050 के ऊपर थोड़ा सा निकलेंगे तो हमें एक छोटा सा मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हम ऑलरेडी यहाँ से देखेंगे तो हम 200-250 पॉइंट का मूवमेंट कर चुके होंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद कंसोलिडेट करते हैं। मान लीजिए कल के सेशन में हम यहाँ पे निकलते हैं और यहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करते हैं 35,000, मान लीजिए हो सकता है 34,900 से लेकर के 35,050 के बीच में हम कंसोलिडेट करें। इस तरह से कंसोलिडेशन होना चाहिए। इस तरह से हम कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद हम 35,050 वाला लेवल निकालते हैं तो हमें यहाँ पे एक मूवमेंट मिल सकती है जो कि हमें लेके जा सकती है। पहला टारगेट यहाँ पे होगा 35,220 का, और दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे 35,330 से लेकर 380 के बीच में। तो इस मूव के लिए हम यहाँ प्ले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट करेगा तभी आपको यहाँ पे मूवमेंट मिलेगी। अगर इसी फ्लो में निकल जाएगा तो छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हम कल ट्रेड ही करें, नहीं ट्रेड मिलेगा। हम मंडे के सेशन में ट्रेड करेंगे, शायद मंडे के सेशन में मार्केट एक क्लियर मूव आपको देगा। तो यहाँ पे हमें कब बाइंग करना है, जब इसके ऊपर निकलेंगे तब। मान लीजिए अगर हम इसी जगह पे कल ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ध्यान से देखिए, तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखिए, तो अगर हम इस लेवल के नीचे निकलते हैं तो हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है जो कि होगा 34,700
साठ के नीचे, अगर 34,760 के नीचे इंट्राडे में निकलते हैं तो आपको यहाँ पे मूवमेंट मिल सकती है 34,620 और 34,550, ये लेवल हमें दो देखने को मिल सकते हैं अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं। देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास हम यहाँ पे सपोर्ट लेके कंटिन्यू बाउंस बैक कर रहे थे, ऊपर की साइड में देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो आप लोग को क्लियर कट समझ में आएगा। पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं ये ट्रेंड लाइन लूँ तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास जब आ रहे हैं तो हम सपोर्ट ले रहे हैं और ऊपर की तरफ से जब हम इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से क्रॉस करें तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देख के ट्रेड करना है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम ट्रेड करते हैं और वापस 760 के नीचे 760-770 के नीचे ट्रेड करते हैं तब हमें यहाँ पे ये मूवमेंट मिल सकती है। तो लेकिन उसके लिए हमें ओपन इसी रेंज के बीच में होना पड़ेगा। अगर इस रेंज के बीच में हम ओपन होते हैं और उसके बाद हम ब्रेक करते हैं तब फिर हमें यहाँ पे हम यहाँ तक आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 34,550 के आसपास तक हम यहाँ पे आ सकते हैं इंट्राडे के दौरान में। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं 34,550 और 34,450 के बीच में कहीं पे एक रेंज बना के ब्रेक करते हैं तो फिर नीचे की साइड की मूवमेंट ओपन हो जाएगी जो कि 34,200 के पास तक बैंक निफ्टी को लेके आ सकती है। तो सबसे आइडियल सिचुएशन कब होगा हमारे लिए ट्रेड करने के लिए? आइडियल सिचुएशन ये होगा कि हम यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेक करें 34,760 को, तो हम यहाँ पे ब्रेक बाइंग करेंगे। 34,600 का पुट आप बाइंग कर सकते हैं या फिर 34,500 का पुट बाइंग कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करे आपके कैपिटल के हिसाब से वो पुट यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। कब? जब हम 760 को ब्रेक करेंगे तब। उस कंडीशन में आपको एसएल यहाँ पे लगा के रखना पड़ेगा, 34,820-830 के ऊपर का आपको एसएल यहाँ पे लगा के रखना पड़ेगा, या ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे आप एसएल लगा लीजिएगा। क्योंकि अगर ऊपर की साइड में मूव करेगा तो शायद इसलिए काफ़ी तेज़ी से ऊपर की साइड निकल सकता है, अगर नीचे का ब्रेकडाउन फेल होता है तब की बात कर रहा हूँ। नहीं तो अगर 760 को ब्रेक करेगा तो मुझे उम्मीद है कि 620 और 550 तक तो जरूर आएगा, उसमें आपका ऑप्शन में एक मोमेंटम आपको मिल जाएगा जो छोटे मोटे प्रॉफिट हो। जब तक देखिए हम रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, आप बड़े प्रॉफिट के लिए यहाँ पे वेट मत कीजिए। जो भी आपको 10% 12% 15% या 20% मिलता है उसको पहले लेने की सोचिए। यहाँ पे जब हम इस रेंज के ऊपर या नीचे कहीं पे क्लोज करेंगे उसके बाद ही हमें बड़ी मोमेंट मिलेगी। देखिए जब तक मार्केट रेंज में ट्रेड करता है, यानी मान लीजिए कि कल के डे हाई डे लो को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है या एक दो दिन के डे हाई डे लो को हम ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बड़े मूव के लिए एक्सपेक्ट मत कीजिए। यहाँ पे छोटे छोटे जो भी प्रॉफिट मिले, छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस के लिए यहाँ पे प्ले कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट यहाँ पे मिले, मान लीजिए 600 के पास तक आता है तो जो भी प्रॉफिट मिले उसको एक बार बुक करने की जरूर सोचिए, नहीं तो ट्री स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहाँ से आइए। आप बड़े मूव के लिए मत खेलिए। बड़ा मूव आपको तब मिलेगा जब हम इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तब इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे है 34,480 का जो लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर एक 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो मुझे लगता है कि फिर हम नीचे की साइड में 34,200 तक आ सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर 35,050 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और उसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं तो शायद हम 220 और 330 के पास तक जा सकते हैं। इससे बड़ी मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कल के सेशन में। एक बार कल की क्लोजिंग कहीं पे क्लियर कट हो जाए तो फिर हमें मंडे के सेशन में एक अच्छा बेनिफिट, अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कैपिटल को बचा के रखो। जब आपको ट्रेड समझ में ना आ रहा हो तो शांति से बैठे रहिए या फिर छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पे लीजिए, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस के लिए ट्रेड कीजिए क्योंकि हम रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। और अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन की फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको हमारे लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद एक्टिव होकर वहां पर ट्रेड करते हैं तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट बैच की जो ट्रेनिंग होगी वो जुलाई में स्टार्ट होने वाली है तो उसके रजिस्ट्रेशन 26 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।